फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीएस। मैं डॉक्टर वर्मा आज आपको बताऊंगी कि करवा चौथ के लिए आप स्पेशल कैसे रुक सकते हैं, और ये मैं आज आपको बताऊंगी 5 स्टेप्स में। देखिए, सबसे पहले आप अपना फेस वॉश कीजिए किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक फेस वॉश से। फेस पर साबुन कभी भी नहीं लगाइए, क्योंकि हमारे जो फेस की स्किन होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, ठीक है। दूसरा स्टेप मैं बताऊंगी आपको कि आप स्क्रब कैसे यूज़ कर सकते हैं और घर पे आप स्क्रबर कैसे बना सकते हैं। एक चुटकी रीठा पाउडर लीजिए और 2 चम्मच दही में उसे मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप उसे अपने चेहरे पे अच्छे से लगाइए, ठीक है, सारे चेहरे पे अच्छे से लगाइए, लेकिन वो स्क्रब ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट कीजिए। उससे ही आपका चेहरा काफ़ी ग्लो करने लगेगा, और फिर उसके बाद आप अपना मुंह साफ कर लीजिए, धो लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक पेस्ट बनाएंगे। वो पेस्ट किस चीज़ का होगा, 2 चम्मच दही, आधा टमाटर का रस और आधा नींबू का रस, तीनों चीज़ों को मिक्स करके उन्हें फेंट लीजिए, और उसके बाद उससे अपने चेहरे की मसाज कीजिए, ठीक है। 5 मिनट ऐसा कीजिए। 5 मिनट करने के बाद अब आप फेस पैक यूज़ करेंगे। अब फेस पैक आप बाहर का यूज़ ना करके आप अपने घर में फेस पैक बनाइए। वो कैसे बनाएंगे, मुल्तानी मिट्टी लीजिए, मुल्तानी मिट्टी में 1 चुटकी फिटकरी डाल लीजिए। फिटकरी डालने के बाद आप उसे अच्छे से फेंटिए और अपने चेहरे पर फेस पैक की तरह अप्लाई कर लीजिए उसे। इससे क्या होगा, आपका चेहरा बहुत अच्छा ग्लो करेगा और चेहरे के सारे दाग धब्बे सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब आप, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप कहेंगे कि हम तो ब्लीच भी करवाते हैं, तो देखिए ब्लीच के लिए हर किसी को ब्लीच सूट नहीं करती है। कई बार ब्लीच का जो पाउडर होता है वो ज़्यादा गिर जाता है और हमारे फेस पे दाने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, जो कि बहुत ही नुकसान देते हैं। आज मैं आपको घर में ब्लीच कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ। आलू का रस लीजिए, 2 आलू ले लीजिए, 1 आलू ले लीजिए, उसका रस ले लीजिए, ठीक है। रस लेने के बाद में आलू का, और उसमें 1/2 चम्मच शहद डाल लीजिए, और शहद डाल के उससे अपने सारे चेहरे की, गर्दन की, हर चीज़ की मसाज कीजिए। इससे आपका जो आपके चेहरे पे बाल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। मेरी बताए हुए ब्लीच से आपके चेहरे के जो बाल हैं ब्लैक कलर के वो ब्राउन हो जाएंगे, और आपको इसका इफेक्ट बिल्कुल ब्लीच के जैसे ही दिखाई देगा, ठीक है। अब आपने फेस पैक यूज़ कर लिया था, फेस पैक हटाने के बाद चेहरा काफ़ी थोड़ा रूखा रूखा हो जाता है, तो उसके बाद हम क्या अप्लाई करेंगे, गुलाब जल अपने चेहरे पर लगा के छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, और उसके बाद आप क्या लगाएंगे, एलोवेरा जेल, जिससे आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मेरे जो टिप्स होते हैं वो आपको कैसे लगते हैं। वैसे तो मैं अपने सारे टिप्स जो आपको बताती हूँ वो मैं खुद अप्लाई करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, ताकि आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ें ना बताऊँ और आपके लिए मेरे बताए हुए टिप्स हेल्पफुल हों। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें मेरे चैनल को।